मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले जा रही एक बस में आग लग गई। इससे बस में रखी कई ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें, यहां हादसा मंगलवार को देर रात करीब 11 बजे जिले के गोला गांव के पास हुआ। जिला अधिकारी ने बताया कि बस में चिंगारी की वजह से आग लगी। आग लगने के कारण 4 मतदान केंद्रों के ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के समय बस में चुनावी ड्यूटी में लगे 6 दल और इतनी ही ईवीएम मशीनें थी। 4 ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गए और 2 सुरक्षित है। तो डिटेल बता दिया था, इलेक्शन कमीशन को हमने रिपोर्ट भेजी है, वहाँ से निर्देश आने पे हम कुछ अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो है, जो ईवीएम जितनी भी थी, जो कल मतदान हुआ था पूरे जिले की या पूरे विधानसभा या पूरे लोकसभा क्षेत्र की, तो विधानसभा वाले उसको हम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम उसको सील कर चुके हैं। देखिए, सब टेक्निकल बातें हैं, माननीय आयोग को हमने सूचित किया है, वो तभी कुछ बता पाएंगे टेक्निकल चीजों को। और बाकी वो मैंने बताया आपको कि हमने रिपोर्ट भेजी है और निर्णय जब आयोग से प्राप्त होगा तब निश्चित रूप से सब लोग सुरक्षित है। कल सब आप लोगों के सामने ही थे और दूसरा फिर उन लोगों ने यहाँ पे आके सामग्री भी जमा कराई है। कुछ एक आध व्यक्ति को कोई खरोच आई थी, बाकी तो सब ये अच्छी बात है कि हमारा मेन पावर जो हमारे मतदान कर्मी है सब सुरक्षित।